एक्रेडिटेशन आप सभी के डिग्री प्रोग्राम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हाँ, ड्यूरेशन वेरी करती है, कई जगह ये 6 मंथ्स का होता है, कई जगह 2 मंथ्स का होता है, लेकिन करना सभी को होता है। तो अचानक थियोरेटिकल पढ़ते 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 हमें कह दिया जाता है अब आपको डिसर्टेशन करना है और आपको रिसर्च करके थीसिस लिखना है, तो हमारे लिए एक बहुत एक नई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, तो हमें चीज समझ में नहीं आती है, वी आर ब्लैंक, हम कई क्वेश्चंस पे ब्लैंक रहते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अवर टॉपिक फॉर डिसर्टेशन, देन टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, देन व्हाट वुड बी प्लान ऑफ वर्किंग, प्लान कर लिया, हाउ विल वी प्रोसीड विद द प्रोसीजर्स एंड ऑल, प्रोसीड कर लिया, रिजल्ट आ गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब ये सब इतना ज्यादा डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया है, अब हम इस डेटा को कैसे अपने थीसिस की शक्ल दें, कैसे उसे अकोमोडेट करें, हाउ टू राइट थीसिस, राइट। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हमने एमएससी के बाद फर्दर पीएचडी करनी है, तो क्या वो स्टूडेंट्स अपने एमएससी के डिसर्टेशन से कोई रिसर्च पेपर निकाल सकते हैं, सो दैट जो उन्हें पीएचडी में सीट ग्रैब करने में एक एज रहेगा उनके लिए। तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन लेके हम आपके लिए आ रहे हैं। हम अपना YouTube चैनल लॉन्च कर रहे हैं फूड साइटो, विच इज कमिंग ऑन 30th जून, और इसके अलावा हम और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, लिंक्डइन। सो वी आर हियर टू हेल्प यू इन एनी मैनर वी कैन, और फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन, आपकी स्क्रीन के नीचे एक नंबर शो हो रहा है, यू मे कॉन्टेक्ट अस, थैंक यू।